इधर काट के आना मेरे साइड। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा मैं गाड़ी बैक करके लगा दिया हूँ और फाइनली मेरा गाड़ी भी लोड होना स्टार्ट हो चुका है और बस एक दो तीन बंडल और डलेंगे उसके बाद मेरा लोडिंग हो जाएगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ चाणक्यपुरी और जो हॉस्पिटल था शायद उमैक्स या ऐसे कुछ हॉस्पिटल था। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे खाना निकल चुका है, अब हम खाते हैं यहाँ पे खाना उसके बाद। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 11, अभी कहीं का प्लान नहीं आया है। तो दोस्तों अभी मैं बता दूं, रात को मैं गया था चक्कर और मैं रात को गया था यही ओखला से ही गया था चक्कर और मैं गया था कहाँ, सोनीपत। और रात को निकल गया था करीबन 9:30 बजे, मेरे पास परमिशन था और थोड़ा बहुत माल था, ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं रात को ही निकल गया था। और ताकि अगर तो कहीं तो मिला नहीं पुलिस वाले, ऐसे अगर नहीं मिलता तो यही चीज़ें मैं बताता। तो फिलहाल मैं पहुंच गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था रास्ते में, पुलिस वगैरह कहीं नहीं मिला था, थोड़ा बहुत जाम का सामना करना पड़ा उसके बाद मैं निकल गया था। एक्चुअली मैं पहुंच गया था 11:30 बजे रात को ही और उसके बाद खाली उली करा करके मैं वापसी लौट गया था। और घर पे आकर के मेरे करीबन वही 1:30 से 2 बजे तक मेरा 2 बज गए थे करीबन, 1:30 पौने 2। कंपनी वाले ने कॉल कर दिया, भैया गाड़ी हटा दो, मेरी इतनी नींद पूरी भी नहीं हुई थी। उसके बाद मैं उठ गया 7:00 बजे, उसके बाद उठ करके उसके बाद फिर कहाँ सोने देते हैं बच्चे बच्चे, उसके बाद नहा धो करके आ गया स्टैंड पे। और उसके बाद अभी तो कहीं का प्लान नहीं आया, तो देखते हैं दोस्तों अगर प्लान वगैरह आएगा तो कहीं जाएंगे। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था 2-3 दिन, इसलिए मेरा ब्लॉग्स नहीं आया था 2-3 दिन के लिए। मेरा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था इसलिए हम नहीं बना पा रहे थे और ड्यूटी भी किसी तरह से मुश्किल से कर रहे थे क्योंकि नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा था गाड़ी से, और ऐसे ही मतलब चलता रहा। फिर आ जा करके मेरा मन फ्रेश हुआ है किसी तरह और मैं बिल्कुल अभी फ्रेश हूँ। अब हम जाएंगे और देख सकते हैं रोहित भी आज आ चुका है हमारे साथ बैठे हैं, आज इसका भी चक्कर कहीं का नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों दोनों भाई का भी कहीं का चक्कर नहीं आया, अगर भी कहीं का चक्कर आएगा उसके बाद दोनों भाई जाएंगे चक्कर पे, उसके बाद देखते हैं कहाँ का किसका निकलता है। हमारा तो अभी है नहीं कहीं का चक्कर, अब देखते हैं आज शनिवार भी हो गया, अगर दे आज कहीं का मार लेंगे चक्कर तो सही हो जाएगा, नहीं तो कल भी संडे है, फिर तो कल छुट्टी छुट्टी ही होता है। देखते हैं, इसका तो कल छुट्टी है ही है 100%, अगर दे हमारा करीबन 95% तो मान के चलो मेरा 50% है चक्कर है और 50% संडे को नहीं है। अगर भी कहीं का कंफर्म हो गया लोडिंग तो जाना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों अगर भी कहीं का लोडिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आज आपको पता ही है मैं बहुत दिन से मैं स्टैंड पे ही हूँ और लोकल वगैरह चक्कर लगा रहा हूँ और लॉन्ग रूट तो कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। अभी बाहर का कहीं का लोडिंग अभी नहीं कंफर्म हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा, काम बहुत है आजकल, मंदा चल रहा है यहाँ पे, मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा मंदा चल रहा है, इसके वजह से मैं आजकल बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों काम वगैरह ऐसे ही है, नया साल में तो ऐसे ही है, 2023 तो ऐसे ही चल रहा है, 22 तो ठीक ठाक ही था लेकिन 2023 ही गलत चल रहा है। लेकिन देखते हैं, हो सकता है इस महीने में थोड़ा सा, मतलब ये स्टार्टिंग महीना हुआ है, अब देखते हैं और 2-3 दिन के अंदर अगर ये काम खुलेगा तो हो सकता है काम चलेगा, फिर तो हम बाहर लॉन्ग रूट पे नज़र आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अभी तो वेट कर रहे हैं बस काम उनका, अभी तो कहीं का आया नहीं है, तो कहीं चक्कर आएगा तो फिर जाएंगे दोस्तों। अभी तो बैठे हुए स्टैंड पे, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, अभी तो एक ही बजे, अभी 5 घंटा रह रहा है एंट्री होने में, तो देखते हैं। पोर्टर भी खोल रखे हैं, अगर पोर्टर से बच जाए चाहे ऐसे आ जाए, जैसे आएगा उसे जाएंगे हम, तो कोशिश यही रहेगी चक्कर आए फिर निकले हम यहाँ से दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देना दोस्तों, बैठे बैठे हमें हो चुका है ज़्यादा ही टाइम, करीबन 2 बजने वाले हैं और एक भाड़ा आया है हमारे पास, वो भी पोर्टर का, पोर्टर अभी बजा है तो पोर्टर से मैं भाड़ा उठा लिया हूँ और ये पास में जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, ये लोकल चक्कर है, 700 रुपये का है, तो साइनबाग का, साइनबाग का, और आपको पता है सबसे ज़्यादा साइनबाग मैसूर है। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट, अब चक्कर मारते हैं, ये मुश्किल से 1 घंटा का चक्कर नहीं होगा, फटाफट मार के आते हैं चक्कर, उसके बाद बस अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं लोडिंग पॉइंट पर और लोडिंग वगैरह करवा के उसके बाद निकलते हैं। चलते हैं, अभी साथ मेरे रोहित भी शायद जा रहा है। नहीं जा रहा हूँ मैं। क्यों नहीं जा रहा है? चलना दो मैं आ जाए। नहीं क्यों, क्यों लेट हो जाएगा यार, फिर मैं चक्कर पर आज जरूर जाता हूँ। चलते हैं दोस्तों फटाफट लोड करवाते हैं उसके बाद निकलते हैं। क्या आवाज किया रोहित? पत्थर था एक, इतना जोर से आवाज होता है क्या? लेकिन बहुत ज्यादा जोर से हुआ, चेक करें क्या? पत्थर के ऊपर लगा था, मेरे को उतार देना घर के पास। हाँ घर जाएगा तो लोडिंग तो करवाना ही है।
700 रुपये का अगर भी चक्कर लग जाएगा, अगर भी और भी कोई चक्कर हो जाएगा कन्फर्म, तो और भी चक्कर मार लेंगे, तो कल का तो खर्चा निकलेगा। कल पता ही है आपको संडे है, तो कुछ स्पेशल संडे को बनने वाला है। और काफ़ी दिन हो गया ब्लॉग्स वगैरह में नहीं आया, मटन वगैरह या चिकन वगैरह कुछ भी बना करके नहीं डाला दोस्तों, तो संडे को तो बनेगा ही। चलते दोस्तों, ये रहा सामने कंपनी और शायद बंदा वेट कर रहे हैं, फोन ही हमें ही लगा रहे थे। बस मैं फिलहाल पहुंच गया ये चाय वाले के बगल में, मैं बोला भी था चाय वाले के बगल में है क्या, बोला हाँ। चलो ठीक है, फटाफट आ जाओ। ठीक है, मैं आ गया। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी कंपनी। कहाँ लगाना है ये बैठ करके? इसमें यही कंपनी है सामने थोड़ा, इधर इधर काट के अंदर मेरे साइड। फाइनली दोस्तों, आपने देखा मैं गाड़ी बैक करके लगा दिया हूँ, और फाइनली मेरा गाड़ी भी लोड होना स्टार्ट हो चुका है, और बस एक दो तीन बंडल और डलेंगे, उसके बाद मेरा लोडिंग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फटाफट यहाँ से निकलते हैं जामिया, और मैं बता दूँ आपको रोहित का भी कंफर्म हो चुका है, और किस्मत देखो दोनों भाई का एक ही जगह कन्फर्म हुआ है, वो उसका भी जामिया है और मेरा भी जामिया, तो उसका भी 700 रुपये का है और मेरा भी 700 रुपये का। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट, लोड अब तो हो ही गया है, शायद होने ही वाला है, और डाला वगैरह बंद करते हैं, पेपर वगैरह लेते हैं, फटाफट निकलते हैं जामिया। चलते हैं दोस्तों फटाफट वहां से आकर के, और भी एक लोड मेरा कंफर्म हो गया है, धौला कुआँ जाना है, और वहां का भाड़ा भी 1700 रुपये है, तो फटाफट इसको पहले खाली करके आते हैं, उसके बाद फिर वहां जाते हैं, उसका मेडिसिन का माल है, हॉस्पिटल का है, और फटाफट निकलते हैं उसके बाद। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया था फेस टू कंपनी में, क्योंकि वहां का मुझे लोडिंग था चाणक्यपुरी का, और दो जगह का था। अभी साकेत में पहुंच गया फिलहाल, और साकेत में माल वगैरह उतार दिया हूं, एक बॉक्स था दवाई, और यहां पे जो आया हूं मैक्स हॉस्पिटल है, और यहां से फिर अभी जाऊँगा दोबारा 5 नंबर गेट पर, अभी एंट्री किया हूं, उसके बाद अभी जाएंगे 1 नंबर गेट पर, उसके बाद वहाँ से जाएंगे चाणक्यपुरी। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर किस तरह का है। ये बेसमेंट है, ये है मैक्स हॉस्पिटल बैक साइड, ये देख सकते हैं कितनी पावरफुल वाली सब जनरेटर है यहाँ पे रखा हुआ, ये देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी जनरेटर है, और देख सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल वही है। और यहाँ पे बंदा गया है अंदर, अभी स्टैम्प वगैरह लगा करके फटाफट आएगा और फिर निकल जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया इनको, बंदे को वेट में बहुत करवाया, क्योंकि वहाँ पे खाली बड़ा लेट हुआ है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बंदे ने वेट किया, उसके बाद फटाफट लोड किया, टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग्स बनाने के लिए, मैं फटाफट निकल गया। उसके बाद अभी फ़िलहाल पहुँच गया हूँ यहाँ मैक्स हॉस्पिटल, और फटाफट यहाँ से अब चलते हैं, रिसीविंग वगैरह मिलेगा, उसके बाद निकलते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ चाणक्यपुरी, और जो हॉस्पिटल था शायद उमैक्स या ऐसे कुछ हॉस्पिटल था, मैं पहुंच चुका हूँ ऑलरेडी, देख सकते हैं बेसमेंट में गाड़ी लगा दी हूँ बैक करके, और मेरा गाड़ी अनलोड हो रहा है। तो 5-6 बॉक्स है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में खाली हो जाएगा, उसके बाद रिसीविंग वगैरह लेगा, उसके बाद निकल चलेंगे। मैं आपको बता दूं बहुत VIP रास्ता से आ जाया हूं, कभी उस रास्ते से तो इस गाड़ी का सपना भी नहीं देखा था, लेकिन इसमें मेडिसिन लोड था दवाई, इसके चक्कर में मैं अंदर से ही बाहर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया गेट चाणक्यपुरी होकर के कोई नहीं रोका, उसके बाद पुलिस वाले देख रहे थे बस, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है अगर भी बंदा इधर से जा रहा है तो कुछ तो बात है, तो इसको नहीं रोकते, तो कोई नहीं हाथ दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, इधर से जब जाएंगे ना तो आप सबको नज़ारा दिखाऊंगा, क्या VIP रास्ता है, बिल्कुल मस्त वाली, और जाएंगे भी VIP रास्ते से, अब रिंग रोड नहीं पकड़ेंगे, रिंग रोड तो चलते ही है हर रोज़, लेकिन अब VIP रास्ता भी पकड़ लेंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। फाइनली दोस्तों जहाँ गया था मैं नो एंट्री जगह पर, वहाँ खाली वगैरह हो गया था गाड़ी, और पेपर वाला लेट आया था, उसके कारण बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, उसके कारण मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाया। तो फाइनली मैं गाड़ी उड़ी खड़ी कर दिया हूँ, स्टैंड पे आ चुका हूँ दोस्तों, गाड़ी वगैरह खड़ी कर दिया हूँ, और मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी घर में, और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगा है, और मैं सोच रहा हूँ कुछ खाना वगैरह खा लूँ। तो जूली देख रहे हैं यहाँ पर खाना निकाल रहा है, जोर लगाया, क्योंकि सुबह 10 बजे जो घर से खा के निकला था, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं अन्न खाया था, बहुत तेज़ भूख लग, बहुत ही तेज़ मतलब भूख लग रहा है। तो सुबह 10 बजे से मैं कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल भूखे पेट में दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे जूली खाना निकाल रही है, और चावल, और आज सब्जी में क्या बना है, चावल और अंडा। अच्छा, चावल और अंडा, तो आज चावल और अंडा खाएंगे, आज शनिवार है, चावल अंडा खाएंगे, और जस्ट मैं तो खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। तो आप भी खा लो, 7 बज गया है, सात हो गया है। शिट, देख सकते हैं दोस्तों बिल्ली यहाँ पे ना बहुत तेज सी गालियाँ गाली पड़ता है दे गाली दे गाली दे दे डब्बू दे छोलनी, बहुत मारती है वो बिल्ली को।
क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना, दूध गर्म करते हैं ना हम, तो हम कभी कभी पानी भरते हैं ना, जब टैंकर आता है हमारा पानी भरने के लिए टैंकर पे जाते हैं ना, उसके बाद बस बिल्ली आ करके मुँह डुबा करके मस्त पी लेता है, उसके बाद निकल लेता है, कल्टी मार लेता है। उसके बाद इसका गुस्सा कहता है पकड़ूंगा तो जहर खिला दूंगा, ये खिला दूंगा, पकड़ पाएगा जब ही तो वो खा करके मस्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं, चेक दोस्तों, अंडा और चावल, जुली ने आज अंडा चावल बनाया था और मेरे से पूछा भी था क्या बनाऊं, तो मैं बोला अंडा ही चावल बना लो। देख सकते हैं अंडा चावल बन गया। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे खाना निकल चुका है, अब हम खाते हैं यहाँ पे खाना, उसके बाद तो चलिए दोस्तों खाना पीना तो निकल चुका है, अब खाना वाना खाते हैं, क्योंकि आज तो जुली ने अंडा बनाया, देखते हैं कैसा टेस्ट बनाया नहीं बनाया, क्योंकि हर रोज़ तो जुली ही बनाता है आपको पता ही है। तो चलते हैं दोस्तों खाते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो चलिए दोस्तों खाना पीना खा करके मैं रेडी हो चुका हूँ, और अभी खाना खाने के बाद गया था, आप देखे थे मैं खाना वाना खा लिया था, खाना फिनिश करके उसके बाद रोहित के घर चला गया था, थोड़ा सा वहाँ पे बैठ गया था करीबन आधा पौने घंटा, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था हमारे और रोहित में यूट्यूब के बारे में जो भी था। तो फाइनली दोस्तों मैं वहाँ से आ गया हूँ रोहित के घर से, और मनसुख मम्मी बोला अगर दी उधर से आ रहे हो तो चीनी ले कर आना, तो आधी के जी मैं चीनी भी ले आया, देख सकते हो टंगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों घर तो आ गए, देख सकते हैं बिस्तर वगैरह हमारा रेडी हो चुका है, हमारे आते आते ही उससे पहले ही बिस्तर वगैरह रेडी कर लिया है हिमांशु मम्मी ने। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग्स हम यही एंड करते हैं, आई होप हमारा ब्लॉग्स आपको पसंद आए, अगर भी पसंद आए हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।